चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी शिमला निगम चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराएंगे आपको। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा आरोप सामने आया है। आपको बता दें, निगम चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। जयराम ठाकुर ने भी ये सवाल उठाए हैं। तो वहीं वार्ड नंबर 28 में धांधली की गई है, ये राजीव बिंदल का कहना है। कांग्रेस पर लगाए ईवीएम में हेराफेरी का आरोप, तो वहीं उम्मीदवारों के चिन्हों में हेरफेर, राजीव बिंदल का ये कहना है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कांग्रेस रही है, दुरुपयोग कर रही है, ये जयराम ठाकुर का भी कहना है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रभावित करने की पहले दिन से कोशिश कर रही है। चाहे रोस्टर की बात है, चाहे वो नए सिरे मतदाताओं का यहाँ पर बनाने की बात है गलत तरीके से, ये सारी बातें हम एक बार नहीं अनेकों बार मीडिया के समक्ष कर चुके हैं। लेकिन जब ईवीएम वहाँ पर रखी गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संजीव चौहान का नंबर एक की बजाय उसका नंबर दो कर दिया गया, दूसरे नंबर पर चुनाव चिन्ह कर दिया गया, और कांग्रेस का जो तीसरे नंबर पर था उसको नंबर एक पर कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया, यह बहुत शर्मनाक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला, चुनाव आयोग की वेबसाइट, यह वेबसाइट का स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से और वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से, जो हमने वेबसाइट आज 10:48 के ऊपर डाउनलोड किए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी को जो अलॉटमेंट की गई उसमें भी पहले स्थान पर ही था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव का जो कंपेन चलाया, जो डमी बैलेट बनाए, उसके अंदर भी पहले स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हमारे उम्मीदवार और कमल के चुनाव को दिखाया गया। परंतु आज जब मशीनें खोली गई तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहले स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर आ गया और कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे स्थान से उठा करके पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया। इससे बड़ी चुनाव को प्रभावित करने के लिए धांधली कोई नहीं हो सकती।